खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। सुशांत खुदकुशी मामले की जांच पर पटना के आईजी ने बयान दिया है। मुंबई पुलिस से अब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। सुशांत केस से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज मुंबई पुलिस ने नहीं सौंपा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस के पास जब पहुंची है, वहां पर बिहार पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए ये पटना के आईजी बयान दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बिहार पुलिस को अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दी जानी चाहिए, जो अहम दस्तावेज होते हैं किसी भी जांच के लिए बहुत ही जरूरी, वो किसी तरह का कोई दस्तावेज हैंडओवर नहीं किया गया है बिहार पुलिस को। ब्रजेश, कल तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे पुलिस वाले, कैसे उन्हें जबरन वैन में अंदर घुसा दिया गया था। जब वो मीडिया वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया गया था। जो दस्तावेज हैं अहम इस जांच के लिए, वो हैंडओवर नहीं किए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर मुंबई पुलिस किसी भी कीमत पर सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है बिहार पुलिस का। देखिए विमानसा, इसमें कुछ एक बात का करेक्शन हम करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन ये आप कह सकती हैं कि जितना सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग मुंबई पुलिस से नहीं हो रहा है। और ये किन वजहों से नहीं हो रहा है उसके पीछे भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप महाराष्ट्र सरकार का जो बयान देखिएगा, और जिस तरीके से वो महाराष्ट्र सरकार बयान दे रही है कि हम सीबीआई को जांच नहीं सौंपेंगे, मुंबई पुलिस काबिल है जांच करने के लिए, तो निश्चित रूप से अगर सरकार बयान देती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है उस गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट में मुंबई पुलिस को ये संदेश मिल रहा है कि मदद नहीं करनी है बिहार पुलिस की। ये संदेश सरकार की तरफ से भले ही आधिकारिक रूप से ना मिला हो मुंबई पुलिस को, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उससे तो संदेश मिल गया है कि बिहार पुलिस को मदद नहीं करनी है। और निश्चित रूप से कल पटना के एसएसपी ने अंधेरी के डीसीपी को आधिकारिक मेल किया है। ब्रजेश, ये देखिए, और उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्या कह रहे हैं मुंबई पुलिस के बारे में कि मुंबई पुलिस जो है वो बहुत ही सक्षम है। राज्य की पुलिस बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने में सक्षम है। इस केस को ट्रांसफर किया जाना मुंबई पुलिस के लिए अपमानजनक होगा, क्योंकि वो योद्धाओं की तरह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस केस में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुशांत के फैंस को मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो खुद सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। सुशांत के फैंस को मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सियासत हो रही है, ये सियासत की शतरंज बिछाई जा रही है जिसमें जो न्याय है, जो इंसाफ है इस केस में, वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। हमारा सवाल ये है कि इंसाफ के लिए आखिरकार ये नाक की लड़ाई क्यों बन जाती है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच। बहुत ही संवेदनशील मामला, लगातार आप देख रहे हैं देश भर में ये आवाज उठ रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या तो अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस मिलकर ये जांच पड़ताल कर लें। लेकिन मुंबई पुलिस को लगता है कि बिहार पुलिस जो है वो तो दखलअंदाजी कर रही है। और इस बीच ये अहम जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि सुशांत सिंह के दो मोबाइल नंबर जो कि उनके नाम पर दर्ज नहीं थे, ये नौबत क्यों आती है, अपने नाम पर ये मोबाइल नंबर वो क्यों नहीं लेते हैं। एक नंबर सैमुअल मिरांडा जो उनका पर्सनल स्टाफ, उसके नाम पर, और दूसरा नंबर जो है वो उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर। और सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा दोनों ही वो शख्स हैं जो लगातार रिया चक्रवर्ती का इस मामले में बचाव कर रहे हैं। अब सवाल ये कि मोबाइल नंबर उनके नाम पर क्यों नहीं था, ये सिम कार्ड बार बार क्यों बदले जा रहे थे, यही आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाया है। उनके पिता ने ये दो नंबर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अपनी FIR में दर्ज कराए, ये कहते हुए कि उन्हें बातचीत नहीं करने दी जाती थी, सिम कार्ड बार बार बदल दिए जाते थे। ये सुशांत के परिवार पर आरोप लगाया सिद्धार्थ पिठानी ने, जो कि सुशांत सिंह के दोस्त हैं। हालांकि आप देखिए, जो सैमुअल मिरांडा है जो कि सुशांत के स्टाफ हैं, उनका कहना यह है कि जो रिया है वो स्टाफ का ख्याल रखती थी। रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है, ये सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और वहीं सैमुअल मिरांडा जो दूसरी अहम कड़ी है इस केस के, वो कह रहे हैं कि रिया के ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट पे खड़े हैं ये दोनों रिया चक्रवर्ती के। सुशांत के परिवार के लोग दबाव बना रहे हैं, ये आरोप लगाया है सिद्धार्थ पिठानी ने। और वहीं सैमुअल कह रहे हैं कि सुशांत सिंह ने ही स्टाफ को निकाला या बदला। तो ये समझिए आप पूरे केस में किस तरह से दो लोग हैं, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, तो रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।